मनाली से साइकिल पे? और ले जा रहे हो? कितने दिन हो गए निकले हुए घर से? अभी 8वां दिन। फाइनली वन मोर पास सबमिट कर दिया है। अगर दूसरी गाड़ी आएगी तो आपको साइड पर रोकनी पड़ेगी, बट ये हम पैसे पिछले कुछ ये बोल लो आप 1.5 दिन से देखते हुए आ रहे हैं, तो इसके लिए यूज टू हो चुके हैं। मैग्नेटिक हिल, द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी, पार्क योर व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस द वंडर। लेह के अंदर एक गुरुद्वारा भी है, हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। हम आ चुके हैं लेह सिटी के अंदर और मार्केट एक्सप्लोर करने आए हैं। काफी लाइवली एनवायरमेंट है यहाँ का। सो गाइस, लिंगशेड हमने कर दिया क्रॉस, जैसे आपको पता था लुमायरू जाने के लिए। आई थिंक यही है वो जिसकी वो बात कर रहे थे कि 65 डिग्री एंगल पे आएगा, क्योंकि देखने से सबसे ज़्यादा अभी तक का स्टीप मुझे यही लग रहा है, और आमिर को भी। अब देखो, इसलिए हमने पहले से ही गाड़ी पे कोई प्रेशर ना पड़े 4x4 लगा दिया है। भाई है भाई आमिर ये ना, वीडियो में शायद इतना दिख नहीं रहा होगा, बट ये बहुत है, इसके ऊपर वाला जो कट है वो भी बहुत है। हम पहुंच चुके हैं सिंगेला पास। शिंकुला पास किया था, वो था 16,580 फुट की ऊंचाई पे, और ये है 16,590। तो है ज़्यादा नहीं 580 या 590 में, बट मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लमायरू जा रहे हैं, और लमायरू यहाँ से अभी 3 घंटे के करीब लगेंगे। यहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, तो जल्दी से फोटोज़ वगैरह क्लिक कराते हैं और यहाँ से निकलते हैं। हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़, तो निकालते हैं अपना फ्लैग, करते हैं यहाँ पे कार्यक्रम। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का, इस सारे बर्फ़ के पहाड़ हमें नीचे से दिख रहे थे, सारे क्रॉस करके ऊपर आए हैं। ये झंडे जित स्पीड से हिल रहे हैं आपको दिख रहा होगा, कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, देखो कितनी तेज़। ज़्यादा नहीं रुकेंगे, बस निकलते हैं यहाँ से, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है। ओ भाई साहब, भाई कितनी 20-25 फुट की बर्फ़ तो होगी आराम से। ये देखो गाइस, गाड़ी से भी ऊंची ऊंची है बर्फ। ये देखो 20-25 फुट की बर्फ है यहाँ पे, इसका मतलब समझ रहे हो आप कितनी बर्फ पड़ती होगी यहाँ पे जो अभी तक नहीं पिघली, पर 20-25 फुट की बर्फ है। आमिर पूरा ग्लेशियर लग रहा है भाई, तो ऊपर देखिए पूरा। तो बात ऐसी है, आमिर थोड़ा हंसा रहा है, बट इसलिए मैं वीडियो लेट बना रहा हूँ। यहाँ हंसने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए होता है यहाँ के हर जगह पे। तो अभी हमने क्रॉस कर दिया है शिंगेला पास, 10 फुट ऊपर था शिंकुला पास से, और बहुत अमेजिंग था। हवा यहाँ पे 200% ज़्यादा थी शिंकुला पास से, बहुत ज़्यादा हवा थी। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर खड़ा होना वैसे भी नहीं था, अपना अपना स्टिकर लगाया दोनों ने बोर्ड पे, और यहाँ से निकलते बने हम। लमायरू कितना दूर है? मनाली से साइकिल पे? और ले जा रहे हो? कितने दिन हो गए निकले हुए घर से? अभी 8वां दिन। आए कहाँ से हो आप? दिल्ली से। साइकिल पे? नहीं नहीं, बस में मनाली तक, फिर मनाली से। हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ यार। मतलब ये फर्स्ट टाइम कर रहे हो? नहीं नहीं, फिर ये रूट फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट वैसे लद्दाख आई थिंक मैं एटलीस्ट 4-5 बार आ चुका साइकिल से। लद्दाख से ही। अरे काम आएगी, अरे कोई नहीं, काम आएगी, काम आएगी। तो दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ रहते हो? सरता व्यार। तो तुम भी दिल्ली से ही है? अच्छा, हाँ। गाड़ी उस पर एडवेंचर करने, एक्चुअली पीछे से टनल बन रहा है ना। तो ये आपको नॉलेज में था ये अलग गांव की आप यहाँ स्टे करोगे, प्लान में था पहले से? रखना पड़ता है ना थोड़ा सा। हाँ ये तो है, अदरवाइज तो फिर तो ये जो पीछे का स्ट्रेस था ये एक्चुअली काफ़ी ख़राब था, इसमें कुछ भी नहीं है। हाँ बहुत ज़्यादा। दो बार मेरे को रास्ते में रोक के अपना खाना बना के खा के फिर आगे आना पड़ा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। सो अगर कोई पहले से प्लान करके नहीं आएगा ना, और अगर लोकल्स के भरोसे भी रहोगे। एक बंदे ने बोला कि रास्ते में एक टी टेंट आएगा, चाय और मैगी खा लेना। हाँ आया था। कब आया था? हाँ आया था। मैंने मिस कर दिया। हाँ आया था, टी टेंट आया था, सिर्फ टी और मैगी का पॉइंट था, उसका और कुछ नहीं था। कहाँ पे था ये? वो था लेफ्ट की तरफ था, पास के पहले, पास के बाद, पास से पहले। Anyway,
चलो तो पहुंच गया शुक्र है। थोड़ा सा और बचा है बस। अब तो पहुंच जाओ, अब तो डाउनहिल है पूरा, डाउनहिल है। तो यहाँ पे होम स्टे है? आई हैव नो आइडिया, अभी जाके पूछना पड़ेगा। आपके पास तो टेंट है ही, कोई दिक्कत नहीं है। बट यूजली होता है यहाँ के सारे विलेजेस में ना, यू आर ऑलवेज फाइंड कोई ना कोई। चलो ये अच्छा है कि यहाँ पे नेटवर्क भी है। हाँ, ये रहा बीच में एक जियो का बड़ा सा टावर। लेकिन लिंकशेद में मैंने ट्राई किया था, टावर के सामने खड़े होकर ना फोन किया था किसी से बोरो करके, कुछ नहीं हुआ, कोई फोन नहीं लगा। सो अच्छा अच्छा, चलो थोड़ा कम भरोसा है मेरे को। चलो सही है, ठीक है, चलो भाई अच्छा लगा यार मिलके आपने। सो गाइस, हमने गाड़ी बहुत देर से चला रहे थे पदुम से निकलने के बाद, पहला स्टॉपेज लिया यहाँ पे, दो पास आए वो भी क्रॉस कर दिया, आपको दिखाए थे वो। तो यहाँ पीछे मेरे एक ढाबा है, हमने यहाँ रोक लिया कि थोड़ा पैर वैर सीधे कर लेंगे, थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे गाड़ी रोक के, गाड़ी को भी थोड़ी देर आराम मिल जाएगा, बहुत देर से चल रही है, ऑफ रोडिंग कर रहे हैं हम कब से। पीछे गाँव पास किया था हमने, उसमें फुतुकसर था उस गाँव का नाम, और वहाँ पर जियो का टावर लगा हुआ था। तो थैंकफुली हमारे पास जियो के नेटवर्क आ रहे हैं अभी, इस बेजान जगह में भी जियो के नेटवर्क कैच कर रहे हैं, तो मैंने घर पे बात भी कर ली है। अभी हमने ऑर्डर किया राजमा चावल और मैगी वगैरह, तो जो भी अच्छा होगा एक एक प्लेट ऑर्डर किया उसको फिर रिपीट कर देंगे। तो अभी चलते हैं उसको खाते हैं, और जितने का होगा वो भी प्राइस बताऊंगा, और स्टीकर भी लगाएंगे अपना, जहाँ जहाँ जा रहे हैं छाप छोड़ के जाएंगे। ये रूट लेना है दोबारा से, गाड़ियाँ आते दिख रही होंगी आपको ऊपर से, वो देखो ऊपर गाड़ी चल रही है। बहुत दूर जाना है अभी यार, इस बंदे की दाँत देनी पड़ेगी यार, ये हमें पीछे मिला था। ये देखो भाई, दिल्ली से चल रहा है ये भाई, बस कहाँ से, सरिता विहार से, चौथी बार ले कर रहा है, और इसे निकले हुए 8 दिन हुए, हमें 5 दिन हुए हैं। तो ये दिल्ली से पहले मनाली पहुँचा, इसके साथ इंटरव्यू भी डाला मैंने, आपने देखा होगा, वो इससे बातचीत करी थी, बहुत बढ़िया बंदा। आज ये फतुकसर में रुकेगा क्योंकि साइकिल पर तो बहुत बड़ी बात है यार, फिर भी आ गया इतनी चढ़ाई करने के बाद भी। तो हमें लमायरू पहुँचने में लगेंगे यहाँ से कम से कम 2 से 2.5 घंटे, अभी 5 बज रहे हैं, और लमायरू से ले पहुंचने में लगेंगे ले सिटी अलग से 2 घंटे, तो उसको राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेटली 5 घंटे मान लेते हैं, तो लगभग 5 घंटे मानूँ तो 10-10:30 बजे तक हम पहुंचेंगे। और टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था ले सिटी के अंदर ऑलरेडी हमने होटल बुक करा दिया था, सो उसकी टेंशन नहीं है। खाना पीना कर लिया अपना, थोड़ा रिफ्रेशमेंट कर ली, और आप निकल रहे हैं यहाँ से। लकीली हमारे फ़ोन में नेटवर्क आ चुका है, इंटरनेट स्लो है, चल रहा है, बट हमने मैप सेट कर दिया है, तो मैप के अकॉर्डिंग 63 किलोमीटर दिखा रहा है लुमायरू, और 2 घंटे, पूरे 2 घंटे दिखा रहा है, और बोला ऐसा जा रहा है कि लोकल से यहाँ पे कि 35 किलोमीटर के बाद आपको तारमैक रोड मिल जाएगी, जिसमें आप अच्छे से गाड़ी खींच सकते हो। तो 4 घंटे ही मान के चलो, एंड देन वी विल एंटर ले फाइनली। अभी निकले थे, आपको दिखाया था रोड का टाइम लैप्स, हमने एंजॉय करे होंगे। ये लास्ट पास है लुमायरू पहुंचने से पहले, ले पहुंचने से पहले आई थिंक, सिरसिर पास, और यहाँ भी हमारा स्टीकर लग चुका है, बट इसकी हाइट उससे कम हो गई है सिंगला पास से। डेली वन मोर पास सबमिट कर दिया है, पता नहीं कितने पास सबमिट करेंगे आने से पहले पहले, अब यहाँ से जाने से पहले पहले अब। तो चलो फोटोज खिंचवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। गाइस, अभी भी लुमायरू पहुंचने में लगेगा 1 घंटा, और किलोमीटर दिखा रहा है 35। सो अभी हमने जिनसे होटल बुक कराया उन्होंने बोला आ जाओ, 1-1.25 घंटा और लगेगा, क्योंकि रोड साफ़ है। इवन अभी जिस रोड पे हम चल रहे हैं, ये रोड है तो ख़राब, बट स्टिल इसमें गाड़ी की स्पीड अच्छी मेंटेन कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे गड्ढे नहीं है, अनइवन नहीं है रोड। ये टारमैक ही रोड है, पुराना बना हुआ, वो थोड़ा सा ख़राब है, टारमैक रोड, ये देखो बाकी आगे और अच्छा मिल जाएगा। 7 बज गए, और ये देखो आप सामने सनसेट होता हुआ आपको दिख रहा होगा ऊपर से, देखो 7 बजे भी इस टाइम पे उजाला हो रखा है। हमारे यहाँ पे 7 बजे क्या हालत हो रखी होती है आपको पता ही है, ये होता है पहाड़ों में, सूरज जल्दी उगता है और लेट सेट होता है। कितना बढ़िया सीन लग रहा है ऊपर, हल्की हल्की सूरज सेट होने से पहले, मतलब सनसेट होने से पहले हल्की हल्की जो सनरेज पड़ रही है, सूरज सेट कर रहा था, सूरज राइज अस्त होने से पहले, सूर्यास्त पंजाबी मस्त। अब थोड़ी राहत मिली है, जहाँ से हमने खाना खाया था बोला था कि 35 किलोमीटर के बाद तारमैक रोड आ जाएगी, और फाइनली आ चुकी है। अब देखो गाड़ी हिल नहीं रही है, आपसे बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब समझ जाओ कितना बड़ा ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगा दिया हो जैसे गाड़ी के अंदर, सुकून मिल रहा है सच में। हिल रहा भाई, टेंशन में है। तो अभी आपको रोड दिखाता हूँ, रोड देखो
बहुत ही बढ़िया नजारा हो गया। इस रोड की मैं बात कर रहा था, ये देखो बिल्कुल ही प्लेन रोड है, अब गाड़ी में कोई खड्डे वगैरह कुछ नहीं है, आराम से चलेगी गाड़ी अब स्मूथ एकदम। बस हाँ ये है कि नैरो रोड है, आप देख ही सकते हो कि अगर दूसरी गाड़ी आएगी तो आपको साइड पर रोकनी पड़ेगी। बट ये हम पैसे पिछले कुछ ये बोल लो आप एक डेढ़ दिन से देखते हुए आ रहे हैं तो इसके लिए यूज टू हो चुके हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आप मानो या ना मानो 7:30 हो रहे हैं और उजाला देखो आप। मैंने इतनी जैसे सनग्लासेस लगा रखे थे, मुझे तो और ज़्यादा अंधेरा लग रहा था, अभी उतारे हैं तो अभी हमने किससे पूछा, उन्होंने कहा है कि 5 मिनट बाद ही हाईवे आ जाएगा और वहाँ से ले के लिए लगेंगे 1.5 से 2 घंटे। और आई थिंक ये वही हाईवे है जो कि कारगिल को ले से कनेक्ट कर रहा है, तो हम बीच में जुड़ जाएंगे उस वाले में ना, फिर NH1 ही है वो। तो आओ चलो चलते हैं, रोड तो क्लियर ही है। हमारे सामने 2 कट आ चुके हैं, एक वानला मोनेस्ट्री की तरफ जो इधर जा रहा है, ये जा रहा है आपका लुमायरू की तरफ, और उन्होंने बताया था जैसे कि एक जा रहा है इधर की तरफ, तो उन्होंने कहा था राइट ले लेना अगर आपको लुमायरू जाना है तो इधर चले जाना, बट लुमायरू नहीं जाना है हमें, हमें सीधा जाना ले सिटी। तो हम इधर से जाएंगे जहाँ से गाड़ी आई आ रही थी, ये देखो इधर इधर की तरफ चलते हैं और सीधा ले में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर मेन हाईवे जो है NH1 जो दिल्ली से चंडीगढ़ वाला जो हाईवे है पूरा, वही हाईवे आगे जाके मिल जाता है, बोर्ड भी लगा हुआ है ले की तरफ, हमें सीधा ही जाना है। जहाँ से हम आ रहे हैं वो था वानला विलेज, और अभी मैंने आपको बताया वानला मोनेस्ट्री के लिए उल्टी साइड पे जाना है। देखो सामने बोर्ड आ चुका है, इससे आपको भी क्लियर हो जाएगा। पैंगोंग यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से 250 किलोमीटर है, और मनाली 600, खड़दुंगला 155 जहाँ हमारा शायद कल का प्लान होगा, हुंडर 231, तो ले से लगा ले 200 लगेगा। और ले अभी ले ही जा रहे ना ले सिटी, अरे ले तो ले कितना है, 106 दिखा यार यहाँ पे 106 लिखा है ना, तो हुंडर कितना, 150 किलोमीटर होगा अपना। ले सिटी रह गई है 94 किलोमीटर, मतलब हमारा होटल जो हमने बुक कराया है गोल्डन पैलेस करके नाम है उसका। बट आप एक चीज़ देखो, अगर आप देख पा रहे हो, मैंने अभी सामने सामने काउंट करने की कोशिश करी, लगभग 10 से 11 मुझे टावर दिख गए हैं यहाँ पे, तो मतलब नेटवर्क की तो कोई प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। और पर्सनली चेक भी किया फ़ोन में, एक डंडा भी कम नहीं है, पूरे के पूरे डंडे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसमें 6 भी लगाता तो 6 के 6 आ जाएंगे, अभी 5 की जो गुंजाइश है वो पूरी की पूरी है। ये देखो जैसी आप कोई टर्न लोगे वैसी वहाँ पे आपको टावर दिख जाएगा, तो काफ़ी अच्छी ये डेवलपमेंट कर दी है। तो और 4G आता है यहाँ पे, तो ये चीज़ अच्छी है कि हम वीडियोस वगैरह भी रियल टाइम अपलोड करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। और ये चेक पोस्ट आ गया सामने, एंट्री करा के फिर देखते हैं। सो गाइस हम लद्दाख रीजन में तो कब से थे, अब ले पहुंचने वाले हैं। ले में हमारा होटल रह गया है 35 किलोमीटर्स बस, लेकिन हम यहाँ से जा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली दिन में नहीं पहुँचे हैं, रात को पहुँचे हैं। तो मुझे एकदम से बोर्ड दिखाई दिया मैग्नेटिक हिल्स का, जो हर व्लॉग में हर कोई बंदा दिखाता है कि एक हिल्स हैं जो मैग्नेटिक उसमें इफेक्ट है कि आप इंजन बंद भी कर दोगे तो आपको खींचती हैं आपकी गाड़ी को, बट अब ऐसा है नहीं है, पता नहीं। मैं आपको बोर्ड भी दिखाता हूँ, देखो सामने ये देखो गाइस, मैग्नेटिक हिल द फिनोमिनन दैट डिफाइज ग्रेविटी, पार्क अ व्हीकल इन द बॉक्स मार्क्ड विद पेंट ऑन द रोड एंड एक्सपीरियंस अ वंडर। तो ऐसा बोला गया, एक आगे बॉक्स बनाया गया है, उसमें अपनी कार को आप पार्क कर दो एंड उसके बाद एक्सपीरियंस करो जो होगा, जो एक मैजिक है। तो अभी हमें मिल नहीं रहा है बॉक्स कहाँ पर है, बीच में डिस्कशन चल रहा है क्योंकि हमने गाड़ी यहाँ पार्क करी, और गाड़ी को एक्चुअली आगे जाना चाहिए हिल्स के ऊपर, पर गाड़ी हमारी पीछे जा रही है। बॉक्स हमें ना रोक आगे होगा, यहाँ नहीं है, तो हम ट्राई कर रहे हैं रात को भी मैग्नेटिक हिल्स अगर काम कर रही है नहीं कर रही है चेक कर रहे हैं। तो गाइस ये देखो ले के अंदर एक गुरुद्वारा भी है, हम यहाँ से क्रॉस कर रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुद्वारा पत्थर साहिब गुरुद्वारा पत्थर साहिब ले, और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ले के अंदर भी गुरुद्वारा हो सकता है, और बहुत ही बड़ा है सच में, आगे से बहुत बड़ा है। और सारे गुरुओं की फोटो लगी हुई है यहाँ पे, और छोटा सा म्यूजियम भी है यहाँ पे, लंगर हॉल भी है, लंगर भी होता है यहाँ पे, और आई थिंक इसको VRO एंड वो ही मेंटेन करते हैं। सो गाइस ये है गुरुद्वारा, हम इसे कल अच्छे से कवर करेंगे, ले के अंदर गुरुद्वारा, और काफ़ी अच्छा काफ़ी बड़ा बना हुआ है, मेंटेन कर रखा है अच्छे से, एक ही गुरुद्वारा है पूरे ले के अंदर, और इसको इसमें आर्मी वाले भी थे सब थे इसके अंदर, और लंगर हॉल भी था अंदर, तो आप यहाँ से होके जा सकते हो। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और देख के भी मुझे लगा कि चलो यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। मैग्नेटिक हिल्स तो खैर काम नहीं कर रही थी, तो एक चीज़ तो फेल हो गई जो टूरिस्ट स्पॉट में से करती होगी, लेकिन रात में नहीं पता चल रहा था ना एग्जैक्ट हमें कहाँ खड़े हो, एग्जैक्टली हमें पता नहीं चला कि वो काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि जो बॉक्स था हमें वही नहीं मिला,
एक्चुअली हमारे ड्राइवर को नहीं मिला कि बॉक्स कहाँ है, कहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। देखते हैं कोई नहीं, कल दिन में मौका मिलेगा तो देखते हैं, क्योंकि अभी हमारा होटल पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो रास्ते में पड़ा इसलिए हमने देख लिया। अब इधर की साइड पे देखो, रात को पता नहीं चलता ज़्यादा कुछ है कि यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, ऐसा ना हो इधर पाकिस्तान हो, गलती से गाड़ी इधर ना चली जाए, चाइना हो, पाकिस्तान भी हो सकता ना, त्याक्षी व्याक्षी धान पून। तो इधर से कुछ नहीं पता अभी गाड़ी कहाँ चल रही है, बस सीधा सीधा इसलिए मैप डालते हैं और सीधा चलते हैं, चुटकी बजा के होटल में मिलते हैं आपसे अब सीधा। अभी अभी हमारा टोल टैक्स कटा है, लेह सिटी में एंटर करने से पहले 50 रुपये की पर्ची कटी है, जो कि 3 दिन तक वैलिड रहेगी ऐसा बोला उन्होंने। 3 दिन से ज़्यादा आपको स्टे करना है तो आपको फिर और पैसे देने पड़ेंगे, किसको कहाँ देने हैं ये उन्होंने नहीं बताया, बट हाँ ये बोला है कि ये पर्ची 50 रुपये की है और 3 दिन तक वैलिड है, जैसे कि आप ग्रीन टैक्स देते हो मनाली में जाने का या कसौल में जाने का। आ चुके हैं लेह सिटी के अंदर और मार्केट एक्सप्लोर करने आए हैं। इस टाइम पे टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है देखिएगा, 10:30। इस टाइम पे 10:30 बज रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बट ये मार्केट मैंने बहुत टाइम से देखी हुई है, आई लव लेह। और अंदर चलते हैं एक बार, पेबल पत्थर लगा के सब कुछ कर रखा है, बहुत अच्छा सा है। शॉप्स वगैरह बंद हो गई हैं, बट स्टिल देखते हैं कुछ बढ़िया सा मिल जाए तो। बट काफ़ी लाइवली एनवायरनमेंट है यहाँ का। सो गाइस, इस पंजाबी ढाबे से हमने खाया, थोड़ा सा अंदर आके है लेह की मार्केट में। ये देखो हमने स्टिकर भी लगा दिया यहाँ पे अपना, ये पाजी गए, आओ तो यहाँ पे बैठ सकते हो आप। पाजी 5 मिनट अपना नाम बता दो। सर मेरा नाम जगवीर सिंह है। और कितने टाइम से यहाँ पे? मेरे फादर को 30+ ईयर हो गए। 30+ मैं भी अभी रिसेंटली अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया। अच्छा अच्छा, होशियारपुर से? होशियारपुर से। मैं कपूरथला से हूं। ओके सर। तो काफ़ी अच्छा था यहाँ पे, रीजनेबल रेट पे भी है और क्वालिटी बहुत अच्छी लगी मेरे को। तो आपका कोई नंबर वगैरह है कुछ? नंबर सर हमारी लोकेशन बता दें। अच्छा, लोकेशन बता दो आप इनको एक बार। मेन मार्केट में आइए लेह की, नियर SBI बैंक के ATM की बैक साइड में। अच्छा, गुरुद्वारा दातुन साहब की गली जाती है उसके अंदर ही है हमारा। और कब से कब तक खुला है वो बता दो सर? हमारा मॉर्निंग 8 o'clock हो जाता है और इवनिंग में हमारा 10 बजे तक हो जाता है, मैक्सिमम 10 बजे लास्ट है, 10:30। तो यार आप लोगों को जिनको खाना नहीं मिल रहा है रात को, जैसे हम भी भूले भटके आ गए थे, तो वीरन ने पूरा के पूरी अच्छे से खातिरदारी करी है हमारी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे, तो ट्राई ज़रूर करना, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है, मसाले वगैरह बिल्कुल जैसे मम्मी आपके डालती हैं। सर को प्लीज़ सपोर्ट करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सर, मोस्ट वेलकम। ओके सर।